फ्रेंड्स वेलकम बैक। आई एम दीपक शर्मा। पीएचपी सीखने की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस की नीड क्या है और कैसे फंक्शंस हमारे कोड की लेंथ को कम कर सकते हैं और हमारा रिपीटेशन कम कर सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ कोड्स। कोडिंग के अंदर एक रूल होता है कि आप एक अच्छे कोडर नहीं माने जाएंगे अगर आप अपने कोड को रिपीट कर रहे हैं। सो फंक्शंस इसमें आपकी मदद करेंगे। आपको अपना कोड वन टाइम लिखना है एंड एग्जीक्यूट कराना है मैनी टाइम्स, वट एवर यू वॉन्ट, जितनी बार उसे चाहे आप एग्जीक्यूट कराइए। एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, लाइक आपने 10,000 जगह पर अपना एक कोड है उसे यूज किया हुआ है जिसमें जस्ट आपने अपना नाम प्रिंट किया हुआ है और अचानक किसी ने आपसे कह दिया कि आपके नाम के आगे मिस्टर लगाना है, तो आपकी तो बजने वाली है कि आपको हर एक जगह मिस्टर ठोकना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे यार हम तो रिप्लेस करके कर लेंगे, नोटपैड में ऑन किया और रिप्लेस किया और एक बार में रिप्लेस हो जाएगा। और मैं अगर कंडीशन दे दूँ कि आपने 10,000 वर्ड जो लिखा है वो अलग अलग 10,000 फाइल्स के अंदर लिखा है, तो अब क्या करने वाले हैं आप? सो यार ऐसा है कि प्रॉब्लम है तो उसका जेन्युइन सॉल्यूशन होना चाहिए। आप जुगाड़ करेंगे तो जुगाड़ करने से आप एक टाइम पे फंस जाएंगे। जुगाड़ नहीं, हम एक जेन्युइन सॉल्यूशन लिख चलते हैं। फंक्शंस को हम एक फाइल के अंदर लिख देते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको उस सॉल्यूशन से निकलने का, उसके बाद मैं फंक्शन का मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपने फंक्शंस अपने जितने भी यूज करने हैं उनको एक एक्स्ट्रा एडिशनल फाइल में लिख लिया, बाकी आपका प्रोजेक्ट अलग रखा हुआ है। आपने अपने प्रोजेक्ट की हर फाइल के अंदर उस फंक्शन की फाइल को इंक्लूड करवा लिया। इंक्लूड कराने से वो सारे फंक्शंस जो उस फाइल के अंदर लिखे हैं यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, आप उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं और कॉल कर उनके अंदर जो डेटा लिखा है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो लाइक आपको अगर 10,000 जगह चेंज, आपको 10,000 के 10,000 फाइल्स में अपना नाम चेंज कराना है, तो आप फंक्शन के अंदर गए और एक ही जगह पर अपने नाम के आगे मिस्टर लगा दिया और वो 10,000 लाइंस में जहाँ जहाँ एग्जीक्यूट, जब जब एग्जीक्यूट होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। सो यही फंक्शंस का वर्क है, क्या आपके कोड को वो रिड्यूस करता है। तो चलिए आई होप आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा फंक्शन को कैसे और क्यों यूज करते हैं। अब हम इसका इम्प्लीमेंट देखते हैं। सो एज पर हमने अपना कोड एडिटर ओपन कर रखा है और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं वेलकम। देखते हैं हमारा कोड कनेक्टेड है नहीं है। ओके, सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। अभी हम इसे इरेज करते हैं और अपना फर्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए कीवर्ड है आपके पास फंक्शन, आपने लिखा फंक्शन, देन फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है? मैंने लिखा हेलो, हेलो। हेलो लिखने के बाद आपको अपने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपने लिखा इसके अंदर इको, इको लिखा आपने। इको लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दिया अपना नाम, इसमें जो भी चाहे प्रिंट कर दीजिए। मैं अपना नाम लिखा इसके अंदर और अभी आपका फंक्शन हो गया रेडी। मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो आप कहेंगे फंक्शन ने वर्क नहीं किया। नहीं, फंक्शन ने वर्क किया, फंक्शन अभी बना है, इसे एग्जीक्यूट या कॉल नहीं किया गया। तो कॉल करने के लिए कैसे, हमने अपनी एक फाइल जो बनाई उसके अंदर मान लीजिए इनको लिख कर रख दिया, तो ऐसा नहीं है ना जब भी आप वेबसाइट एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे फंक्शन चल पड़ेंगे। नहीं, हमें जो फंक्शन जहां पर जिस पॉइंट पर जिस लाइन के अंदर जिस कॉलम के अंदर हमें इसे कॉल कराना है, हम वहां पर इसका रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये वहीं पर अपना रिजल्ट प्रिंट करेगा, टोटली इन अवर कंट्रोल। तो मैंने क्या किया, यहां पर गया, यहां पर जाकर मैंने क्या किया, हेलो को कॉल किया। अब हेलो के अंदर जो भी रिजल्ट, जो हेलो जो भी रिजल्ट प्रिंट करने वाला होगा वो प्रिंट कर देगा अपना। हेलो ने अपना काम कर दिया, ठीक। ये जस्ट फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है और बेसिक यूज है, आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यूज को पास करते हैं। तो मैंने लिखा डॉलर वैर इज इक्वल्स टू
माई नेम। ओके, मैंने डॉलर वेयर को इसके अंदर पास कर दिया। अभी डॉलर वेयर को मैं यहां पर प्रिंट कराता हूं। ओके, फैटल एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स कॉल। ओके, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ये एरर आपको क्यों मिलती है? मतलब आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है वो एक पैरामीटर पास करना है, बट आप कॉल करते समय कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। सो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने इस वेरिएबल का नाम यहाँ इसे कॉपी किया और यहाँ डाल दिया। सो अभी आप सोचेंगे यार यहाँ भी वेर है और यहाँ भी वेर है। सो इसको इस तरह से समझिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी रहेगी। जिसको मैंने ऊपर कॉल किया और नीचे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, ये फंक्शन के अंदर कोड है, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर असाइन किया और जब इसकी यहाँ से जाएगा क्या इस फंक्शन के अंदर, ओनली इसकी वैल्यू, फंक्शन का नाम यहीं ख़त्म हो गया। इसकी वैल्यू इसके अंदर वट एवर जो भी है वो वैल्यू जाएगी और उसे कैच कौन करेगा, वो वैल्यू एज इट इज़ इस वैल्यू के अंदर असाइन हो जाएगी। अभी अगर मैं इसका नाम ये रख देता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर मैं अंदर भी मुझे इसी नाम से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कौन वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, मुझे ये वेरिएबल वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल का एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, ये वेरिएबल कॉल करते समय इसके अंदर पास किया गया। कॉल करने के बाद जब ये अपने डेफिनेशन के ऊपर गया फंक्शन, तो डेफिनेशन के अंदर इसने ये वैल्यू जो थी इसकी पास कर दी इस वेरिएबल में, और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पर एक्सेस किया। सो क्लियर है, लाइक दिस। थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करता हूँ। आपके पास ये है ये वेरिएबल, ये आपके पास वेरिएबल वन है, वेरिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू थी वो आपने पास कर दी किसके अंदर, वो हमारे पास वो हमने एक्सेस की कहाँ पर, यहाँ इसके अंदर सेम। तो जब ये पास हुई तो वेर वन जो है वो खाली हो गया और इसने अपना पूरा डेटा किसमें डंप कर दिया, डॉलर वेर टी टी वेरिएबल में। और वेर डॉलर वेर जो टी टी वेरिएबल है वो एक लोकल वेरिएबल है, वो एक लोकल वेरिएबल है किसका, इस फंक्शन का। ये डॉलर वेर टी टी वेरिएबल्स ओनली ओनली एंड ओनली इस बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल है, ठीक है। ये मैंने आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल वीडियो में बताया भी है और आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैं ऊपर कार्ट में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल आपको समझाया था कि कौन सा वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल होता है। सो एज पर ये एक लोकल वेरिएबल है जो इस फंक्शन के अंदर कॉल किया गया ओनली, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं वापस जाकर इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा यहाँ पर डॉलर वेर, सो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एक बार मैं दोनों को यूज करता हूँ, मेरे को दो बार प्रिंट होने वाला है वैसे ही है। माई नेम दीपक शर्मा, माई नेम, ठीक है। तो हमें काम क्या करते हैं, अभी जाने के बाद जब हम इस वेरिएबल के अंदर पहुंच गए तो अब मैं इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, आई होप ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना मैं इसे डीप खींच रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसे और डीप में बता दूंगा कि ओके हेलो, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक एरे पास करते हैं और उस एरे का एग्जीक्यूशन इसके अंदर करते हैं फंक्शन के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक एरे को उठा लेता हूँ, इस एरे को जो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था एज इट इज। मैंने ये पूरा कोड यहाँ से उठाया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया। तो सोचिए आपको ये कोड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मान लीजिए ये कोड आपको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम्स इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स कॉपी कॉपी कॉपी। तो मैं नहीं करना चाहता, मैंने इसे एक टाइम मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे सिर्फ एक ही टाइम ही करूँगा इसको एग्जीक्यूट में, ओके। तो मतलब एक ही टाइम लिखूंगा और 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है। ओके
सो हम क्या करते हैं, इस एरे का जो नाम है ये एरे टू, इसके अंदर पास कर देते हैं। और ये नीचे डिफाइन, इसको अगर हम वेरिएबल नीचे डिफाइन है तो इसके बाद हम इसे कॉल करते हैं, ये एरे टू। एरे टू हमने हेलो फंक्शन के अंदर पास कर दिया, बहुत बढ़िया। और ये इसके नीचे पास कर देते हैं एरे टू, चलिए हाँ ठीक है ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये जो फोर इच लूप वगैरह है, प्रिंट वगैरह हो रहे हैं सब, ये सब इस लूप के अंदर हो। सो पहले एक बार मैं इस एरे के अंदर इसको प्रिंट कर देख लेता हूँ क्या आया हमारा इस एरे के अंदर। डॉलर एरे टू 22 लिखता हूँ मैं, एरे 22, यहाँ पर इसका नाम चेंज करता हूँ एरे 22, ठीक है। तो एरर आ रही है कहीं पर, यहाँ पर एरर आ रही है। ओके तो ओके चलते हैं, देखते हैं क्या एरर। पूरा एरे हमको मिल गया फंक्शन के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर यही प्रिंट करना है तो मैं एक छोटे से लूप लगाऊंगा यहाँ पर, फॉर लूप डॉलर आई इज इक्वल्स टू 0 एंड डॉलर आई जब तक लेस देन है 10 से या फिर 11 से तब तक, और डॉलर आई प्लस प्लस। मुझे एक कोड 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है तो मैं जस्ट एक लूप लगाई मैंने, और लूप के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक है। अब मैं समझ गया कि अब ये फंक्शन 10 बार कॉल होगा तो ये 10 बार प्रिंट होगा। देखिए तो हमारा कोड कितना बचा और कितना स्ट्रक्चर्ड है। अगर मुझे यहाँ पर एक बार चेंज करना है तो ये 10 बार चेंज होगा, पता नहीं चलेगा इसके अंदर। वैसे थोड़ा सा चेंज हुआ, देखिए ये देखिए दीपक शर्मा एफ नाम का आ गया। सो इस तरह से आप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर आप इसको फिर से लूप में हैंडल कीजिए, जैसे चाहे इसको हैंडल कीजिए, फंक्शन का यही फर्क है। दूसरा, आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ इको नहीं कराकर आपने कैलकुलेशन करनी है कोई। कैलकुलेशन मतलब आपने यहाँ से, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से अभी, आपने इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है। तो आपने इसके अंदर दो वेरिएबल भेजे, वेरिएबल वन इज इक्वल्स टू 1 एंड डॉलर वेरिएबल्स टू इज इक्वल्स टू 2। आपको इन दोनों वेरिएबल को जोड़ना है इस फंक्शन के थ्रू, या फिर कोई भी, मैं एक ऐड का बहुत इजी ले रहा हूँ, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं ताकि आपको बार बार उस कोड को रिपीट ना करना पड़े। तो मैंने इन दोनों को वेरिएबल्स को इसके अंदर पास कर दिया और इनका नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, कन्फ्यूजन ना हो। बस कन्फ्यूजन के लिए हम सेम भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीएचपी को पता है कि ये वाला वेर जो है ये ग्लोबल है और ये वाला वेर जो है लोकल है। नाम से वो कन्फ्यूज नहीं होगा, नाम से आप ही कन्फ्यूज होंगे बस, ठीक है। डॉलर वेर 1, डॉलर वेर 2, ओके। मैं करता हूँ डॉलर वेर 3 नाम का, वेर 3 नाम का एक गेट बनाया, और डॉलर वेर 1 प्लस डॉलर वेर 2 रखा मैंने इसके अंदर, इक्वल करा दिया डॉलर वेर 3, ठीक है। कॉल करा दिया फंक्शन को मैंने यहाँ पर, हेलो डॉलर वेर 1 कॉमा डॉलर वेर 2, ठीक है। दोनों फंक्शंस मैंने कॉल करा दिए, दोनों वेरिएबल्स इसके अंदर पास कर दिए, फंक्शन कॉल करा दिया हमने इसके अंदर, ओके। 0 प्रिंट करना, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर वेर 1 एंड वेर 2 लाइन नंबर 43, लाइन नंबर 43 पर, ओके। अभी देखते हैं 3। लेकिन हमारे पास टास्क क्या है, हम चाहते नहीं हैं कि ये वेरिएबल यहाँ प्रिंट हो, हम चाहते हैं कि जहां पर हमने इसे कॉल किया था वहां पर एक वेरिएबल है रिजल्ट नाम का, उस रिजल्ट के अंदर इसकी वैल्यू डाल दो,
ताकि हम फर्दर ऑपरेशन के लिए इस वैल्यू को यूज़ कर सकें। फर्दर ऑपरेशन लाइक मुझे अगले ऑपरेशन में ये वैल्यू भेजनी है ताकि मैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई करा सकूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। रिटर्न के लिए कीवर्ड है RETURN, रिटर्न डॉलर वैर थ्री। आपने वैर थ्री को रिटर्न किया और वैर थ्री कहाँ पर आएगा, रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट को हम बाहर यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, इको डॉलर रिजल्ट। अब मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ डॉलर, सॉरी इको फंक्शन एग्जीक्यूटेड। पता चलेगा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू आई है वो यहाँ प्रिंट हो रही है। ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूटेड लिखा है उसके बाद हमारे रिजल्ट की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई, तो जो वैल्यू आई रिटर्न होकर वो इसके अंदर आ गई। सो दैट्स ऑल, फंक्शन का यही वर्क है। इसके बाद में हम ये फंक्शंस को क्लासेस के साथ में यूज कर सकते हैं और अदर अदर इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन फंक्शंस का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर आप वेरिएबल्स कैसे पास करते हैं, रिटर्न कैसे कराते हैं, क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस को। कोर पीएच में काम करते समय आपको फंक्शंस के साथ में जस्ट इतना ही वर्क मिलने वाला है। अगर आप इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ यूज करते हैं तो आपके पास फंक्शंस के साथ में एक्सेसिबल एक्सेस कीवर्ड्स मिलेंगे, लाइक आपको प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड टाइप के कीवर्ड्स मिलेंगे, जिससे आपके फंक्शंस को कौन सी क्लास यूज कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है, कौन उसे कॉल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो ये एक्सेस भी हम फंक्शंस को आगे चल के देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको फंक्शंस में अभी भी कोई डाउट हो और आप किसी और सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसका कोई एग्जांपल चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए, आई विल एक्सप्लेन। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ऐसी ट्यूटोरियल्स, ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, आप एपीआई डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आप सीएमएस सीखना चाहते हैं, विस्टा शॉप, मैजेंटो, ज़ोमला, शॉपिफाई, इस चैनल पर आपको धीरे धीरे सारी सीरीज स्टार्ट होंगी और आपको एंड तक आपको इन डीपे डेवलपमेंट विद नोड जेएस, विद सिलेम, लारावल, कोडिग्नेटर, कोर पीएचपी एंड डिफरेंट डिफरेंट डीपे डेवलपमेंट एंड विद द फ्रंट एंड, विद फ्रंट एंड आपको मिलेगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।